फ्रेंड्स रात के 11 बजे मैं जा रही हूँ आशु जी को दवाई पिलाने। आशु बेटा वेयर आ रही हूँ, ये देखो रात को 11 बजे राज तो सो रही है। लीजिए सर दवाई पीजिए आप। पानी को डालो, ले पहले पानी पी लो, पहले दवाई पियो। पानी क्यों पीना है, गला सूख रहा है। कहाँ पानी, बोतल अंदर से लाओ, पहले दवाई पी ले, फिर दवाई पी ले, पानी थोड़ी देर बाद पी लो, फिर नहीं सूखेगा गला। जब ये पी लेगा ना तो फिर गला नहीं सूखेगा। प्यास बहुत दिन से लग रही है, तो फिर पहले पानी पी। यार एक तो चूहे आ जाएंगे अंदर, सही में अभी ये भी तो कड़कड़ कर रही थी। मैं जा रही हूँ भाई, अपने आप ले लो पानी। यार तुम मेरे को अंदर, आशु तू खुद उठ के ले। कूड़ेदान में कर रही थी, मेरी दवाई वापस दो, मैं जा रही हूँ। यार डर लग रहा है, जल्दी जल्दी पकड़ लो अब तुम। मेरे को एक अलग बॉटल चाहिए ना, इस मशीन पे चक्कर क्या था भैया, तेरे ज्यादा नहीं आ रहे हैं। ज्यादा नहीं आ रही है, मजी के ना करे हो घर वाले ने बुरी बात। तुम लोगों की सेवा ही करती रहूं क्या मैं सारे के सारे? आ करके पी ले आशु, पूरी बोतल ही पलट ले अपने मुंह में। मैंने एक बॉटल पे तो दे, ये देख भैया तू सांस नहीं लेता। बस मैंने तेरा ये चीज देखी है, ये चीज मैंने तेरी ये चीज नोट करी है। मेरी झूठी दवाई दी है तो क्या हो गया? पता है मैं नींद में उठती हूँ, अपने पास बॉटल रखती हूँ इसकी, जैसे ही गले में कुछ लगता है वैसे ही ढक्कन में डालती हूँ और पी लेती हूँ। अम्मा भी ऐसी ही करती थी, ओए अम्मा भी ऐसी ही करती थी, हवा की तरह उड़ गई उधर चल गई, बट डस्टबिन में फेंक दिया। देखो कहाँ फेंक के अम्मा ने बॉटल, डस्टबिन डाल दे पर छोटे, ऐसा लग रहा छोटे बच्चों का घर बनाया हुआ, सारी चीजें फेंकी बनी है तुम लोगों ने। तो फ्रेंड्स अभी बचे हैं सुबह के 11:30 एंड मैं उठ चुकी हूँ 10:30 बजे ही, बट मैं सारे कमेंट्स रीड कर रही थी और कमेंट्स का रिप्लाई दे रही थी। तो अभी लक्ष्मीनगर वाली दीदी आ चुकी है, मुझे नीचे से आवाज़ आ रही है और नीचे से बहुत दीक्षा दीक्षा की आवाज़ें आ रही हैं, और इवन ना ताई भी बोल रही थी कि मतलब जैसे जो मैं एक्टिंग करती हूँ ना, वो ताई दीदी को बता रही थी कि दीक्षा ऐसे एक्टिंग करती है, ये राज मेरा सिर बा दे, ए राज ये कर दे। तो ताई बड़ा खुश हो रही थी। तो चलो एक बार नीचे सबसे मिलते हैं, फिर उसके बाद अपना नहाने वाने का काम करते हैं एंड ब्रेकफास्ट का काम करते हैं, देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। आज मेरे को आवाज़ें तो आती तो शायद भरमा शिमला मिर्च का आलू शिमला मिर्च बनी है। तो चलिए एक बार नीचे चलते हैं और सबसे मिलते हैं, क्योंकि गुल्लू मैडम भी आ चुकी हैं। तो चलो चले, एंड साथ ही में मेरी तारीफ हो रही थी जो कि मेरे को सुनाई दे रही थी। मम्मी कह रही थी कि दीक्षा को तो परफेक्ट कार चलानी आ गई, अब तो बैक करके ले आती है गली में। दी नमस्ते, क्या हाल चाल है? आप अपनी नानी को छोड़ के गए थे, फिर से आए नहीं? आई तो आज, अब नानी गई, अब कौन है, अब आई हो मत, गई तेरी नानी। आप तो नानी गई, अब देखो नानी से रिश्ता था, अब किस लिए आना है, गई नानी को। ये तो बाहर की है दोनों, हम तो बाहर की आई हुई है, हमारा कोई मतलब नहीं है। घर तो हमारा ही है, हमारी नानी का है घर तो। हम भी यही बोलते हैं, हमारी नानी चली गई, हम भी कहते हैं नानी के घर जा रहे हैं। ए, क्या हाल चाल डार्लिंग, बहन तो आ गई। ये देखो गुल्ला, देखो कोई पहना नहीं रहा, खुद ही पहन रही है। हेलो हेलो हाय नकुल जी, राम राम। हाय आशु भाई, आपका गला कैसा है? आजकल मैं जल्दी उठ रही हूँ, आजकल मैं जल्दी एडिटिंग करके सोती हूँ। प्रिया कहाँ गई? मैं प्रिया को देखने आई हूँ अंदर।
एंड हाँ, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि यार हम तो ठंडे पानी से नहाते, तो सैल्यूट है भाई उन लोगों को जो ठंडे पानी से नहाते हैं। या तो बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहाए जाते, या तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा ठंडा आता है, क्योंकि पता है जैसे मैं अपनी मौसी के यहाँ जाती हूँ गाज़ियाबाद वाली, तो ना वो भी गर्म पानी से नहीं नहाते। तो मैं उनके घर गई थी जब सर्दियों में, अपने एक नाइट स्टे किया था पहले, बहुत पहले की बात है, मतलब ज़्यादा पहले की भी नहीं है। तो उनके यहाँ पे मतलब गीजर पत्नी है नहीं है, तो हम भी नॉर्मल पानी से नहा रहे थे, मतलब डायरेक्ट पानी से। तो डायरेक्ट पानी उनके इतना तेज ठंडा आता ही नहीं है, मतलब उनके निवाया आता है डायरेक्ट पानी, तो हो सकता है काफ़ी के यहाँ ये भी हो, बट हमारे यहाँ तो डायरेक्ट पानी इतना तेज ठंडा आता है, मतलब एकदम चिल्ड। मम्मी खाने में क्या बनाया आज? आलू शिमला मिर्च और आलू मटर। खाना खाना है? अभी सोने का बनाएगी फुलके। वैसे छोटे होने का ये फायदा है ना, खुल मेरी दोनों बहनें मेरे से बड़ी है, मुझे कहती है छोटी है तू बैठ जा, छोटी है तू बैठ जा, चल ये आलसी है, छोटी नहीं है। अरे अब तो मेरी सॉरी तीन बहनें आई हुई है, तो हम मुझे बोलेंगे तू छोटी है तू बैठ जा, तेरे को हम खिलाते हैं। बहन मैं छोटी हूँ ना। चल खाना बना, चल जय। बढ़िया स्वादी चाय, ते स्वादी फुलके सेक दे, ते भरमा शिमला मिर्च, ते चाय, ते समोसे। समोसे मैं नहीं खाती वाले। आलू मटर की पारा लेके भरमा शिमला मिर्च है, वो भी है दो सब्जी। हाँ मैं भरमा शिमला मिर्च खाऊंगी, आलू मटर नहीं खाऊंगी। ये देख इसकी नानी चली गई, खा रही है। हाँ खा रही है, नानी की याद में मेरी नानी को बड़ी पसंद थी। हाय राम नानी संतुष्ट हो जाएगी, वो मेरी देवतियां बन। वैसे मम्मी अम्मा खुश बहुत होती थी, दीदी जब सब खाते थे तो अम्मा को खुशी बहुत होती थी। अम्मा को ये होता था हाँ ये खाओ ये भी खाओ, ये मीनो ये भी खा, मीनो ये भी खा, मीनो 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 बोलती थी मीनो। एंड फ्रेंड्स काफी लोग बोल रहे हैं कि मुझे सॉक्स दे देंगे, बट एक्चुअली क्या हम लोगों को नई सॉक्स नहीं पहननी, पुरानी सॉक्स पहननी है, तो इसलिए क्या इसमें बस तीन ही शिमला मिर्च है। हाँ बहन तू खा लियो। अबे नहीं तीन जने बचे हुए ना, हम तीनों एक ही खा लेंगे। बहन तू खा लियो, मैं दया वाली और रहने दे, तीनों एक ही खा लेंगे, मैं आलू टमाटर भी ले लूंगी, तीनों का एक एक का टेस्ट हो जाएगा ना। पर दीदी को भी तो खानी है बहन, फिर इसको चार भाग में बांटो। नहीं तो तू मैं और दीदी, प्रिया भी तो है, प्रिया नहीं है ना घर पे। पागल है क्या, प्रिया नहीं खाएगी खाना? खाएगी तो उसके लिए, तो यार उसके लिए बचा देते हैं यार, ऐसे प्लीज। तो ऐसा चल देख लेंगे। हाय आलू शिमला मिर्च मेरी फेवरेट है, भरमा शिमला मिर्च। चल तू इतने खाना से, ये दीदी को देख के आना है क्या नीचे? मम्मी सब्सक्राइबर सब आपकी गुड मॉर्निंग मिस कर रहे हैं यार, कल से गुड मॉर्निंग कर दो अब आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो मैं उठ चुकी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ और मैं नीचे आ गई हूँ। फ्रेंड मैंने बनाई है भरवा शिमला मिर्च और आलू मटर। चलो और फ्रेंड खाना मेरे ही जिम्मे है सब लोगों का, ये सारे निकम्मे देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये नहीं कि चाची का थोड़ी रोटियां ही बिलवा दें, इसे काट के नहीं लिपड़ के ना पोतण के ऊपर वाले लिपड़ के ना। फ्रेंड जब ऊपर वाले को इसका मीनिंग पता चला था तब बेचारे थोड़े परेशान हो गए थे, है नकलू भाई। चलो ये खाए मटर के समोसे, अभी करा रहे होंगे, अभी अच्छे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वैसे खाती नहीं, खा के देख लेती हूँ। करा रहे वो करके अच्छे लगे, करा रहे हो जाएगा ठंडे हो गए। 1 2 3 ओ टिंडी मत फोड़ लियो यार तू अपनी। गुल्लो 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 सुन, 1 1 1 हो ये कैसे फंसा लिया, पैर निकालो यहाँ से, पैर निकाल यार, गिर मत जाएगा बुल्लू। अरे यार चल भाग अब, भाग लिया अब। 1 1 अरे नीचे उतरो ना। हाँ देखिए यहाँ से ट्रे से बॉटल उठा रही है और वहां रख रही है, वापस रख, यहाँ पे रखो, मुझे मत दो यहाँ रखो। आप सारी नीचे गिरा देते हो गुल्लू हमेशा, ये आपके कोई मैनर्स है? रखो इसको वापस रख के आओ, रखो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो, लीव लीव इट लीव इट लीव इट। गुल्लू बेटा ये आपके गई पैर पे,
आपको ये बॉटल आपके पैरों पे लगती भी नहीं है। अब आपने एक नीचे फेंक दी, एक यहाँ फेंक दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान की जय, श्री की जय, नारायण नमस्कार। कोई सरल उपाय कुछ तो होना चाहिए, तो पुराण में कोई ऐसा निश्चय किया गया हो, जो उपाय पुराणों में कहा गया हो, ऐसा कोई उपाय है तो वो मुझे बताइए। तो श्री भगवान उवाच, भगवान विष्णु ने कहा, साधुं पुष्टत्वयाताक्षं परं मनुष्याणां हितायव शृणुस्वावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहं, दुर्गतिं कथितां पूर्वं पुत्राणां च पापिनां पुत्रीणां धार्मिकाणां तु न कदाचित् खगेश्वरः। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ तुमने मनुष्यों के हित की दृष्टि से बड़ी सुंदर बात पूछी है, मैं आपसे कहता हूँ, हे खगेश्वर, इससे पहले जो मैंने दुर्गति कही, इससे पहले की जो गतियां कही, जिसको अपने अब तक छठे अध्याय तक आपने श्रवण किया, वो केवल उनकी गति ऐसी होती है जिनके पीछे करने वाला कोई नहीं है। इस पे भी प्रश्न किया था ना किसी ने, मैंने ये भी प्रश्न आया था पीछे कि ऐसा अगर कोई करे ना करे, कैसे करे, कुछ ऐसा प्रश्न था। तो श्री भगवान कहते हैं कि इनकी ऐसी गति केवल और केवल उनकी होती है। हाँ, ये प्रश्न ये था कि क्या सबकी ऐसी होती है क्या? ऐसा नहीं, जैसे गलती से एक बार चोरी कर ली, कि इतने सारी बातों में एक एक किसी में कोई कमी है नहीं है, तो क्या सबको यही गति मिलेगी? अगर एक एक चीज भी, उसका निराकरण यही है कि सबका ऐसा नहीं होता है। ऐसी दुर्गति केवल और केवल उनकी होती है जिनके मरने के उपरांत की क्रियाएं जो करनी चाहिए उनको करने वाला कोई नहीं है। तो अगर उनके कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, संतति नहीं है, तो उनकी ऐसी गति हो सकती है, वहां पे भी सकती है। आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे उपाय ईश्वर ने दिए हैं। भगवान कहते हैं कि सबके लिए मुक्ति का साधन सभी को प्राप्त होना चाहिए, ऐसा है। तो उसके लिए साधन उन्होंने एक नहीं रखा है कि एक ही साधन है, अनेक साधन है, परंतु जाते सब एक हैं। वो कहते हैं ना कि अनेक रास्ते हैं परंतु जाते सब एक ही जगह हैं, पहुंचना सबको एक ही जगह है। तो रास्ते सब हैं, उसका मार्ग व्यक्ति का विचार, उसके अनुसार से वो चुनता है और उसी के अनुसार से वो चलता है। तो सबसे पहले श्री भगवान कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, मनुष्य अपना मुक्ति चाहता है, तो सबसे पहला प्रयास उसे करना चाहिए कि संतान उत्पन्न करने चाहिए। अगर किसी कारण से, पूर्व उपार्जित किसी कर्म के कारण से अगर कहीं कोई संतान उत्पत्ति में बाधा है, तो सबसे पहला प्रयास उसे करना चाहिए कि उसे संतान की प्राप्ति हो। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ पुराण उपाय कहे हैं, जैसे हरिवंश पुराण की कथा है, उसका श्रवण करना चाहिए, पारायण करवाना चाहिए, सत्चंडी विधान से यज्ञ करवाना चाहिए, या भगवान रुद्र का अभिषेक करवाना चाहिए। ये कुछ शास्त्रीय विधान है जिसको करने से संतान प्राप्त की जा सकती है। बोलो विष्णु भगवान की। किसी संतान और ना करे तो हमारे लड़कों को हम सिखा रहे हैं ये सब करना है, तुमने पंडित जी ये भी बताया है, लड़का लड़की भाई लड़का ही होना जरूरी है, ये भी चीजें ऐसा है। यहाँ पे संतान से तात्पर्य पुत्र से कहा है, लेकिन क्या है कि ऐसा भी नहीं कहा है कि पुत्री वो कार्य नहीं कर सकती। पुत्र का कर्तव्य कहा है, परंतु ऐसा भी नहीं कहा है कि पुत्री को नहीं करना चाहिए।
या स्त्री को नहीं करना चाहिए ऐसा कहीं नहीं निषेध किया। ये संसार नहीं बना रखा सब कुछ, नहीं शास्त्रीय विधान है, क्यों रीजन है ना उसके पीछे, कारण है कि स्त्री हमारे यहाँ वैदिक काल से पुरुष के साथ में जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपने पति के घर में चली जाती है, अपने पिता के घर में नहीं रहती। ये वैदिक काल से है। इस शास्त्रीय नीति के अनुसार से स्त्री का कोई धर्म नहीं होता, वो जिस पुरुष के साथ विवाह करे उसका धर्म वही धर्म है। तो इसलिए स्त्री अगर वो अविवाहित है और अपने पिता के घर में है तो उसे वही कर अधिकार प्राप्त हैं जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं। बदल रहा है, समय बदल गया है, तो वैसे ही लोगों की भावनाएं भी सोच भी बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बदला है। और देखिए आप जिस चीज पे जितना विचार करेंगे उतना चीजों को सामने आती हैं चीजें, तो ये चीजें विचारणीय हैं कि अभी हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है हर जगह उसमें कहा कि पुत्र को ये करना चाहिए पुत्र को ये करना चाहिए, परंतु ये भी तो नहीं कहा कि पुत्री को नहीं करना चाहिए। सही बात है। अगर शास्त्र कह रहा है कि क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है, क्योंकि सृष्टि को प्रधान कहा है, पुरुष को प्रधान कहा है, तो पुरुष प्रधान है तो पुरुष को करना चाहिए, तो पुरुष कौन होगा, पुत्र ही तो पुरुष होगा, तो उसको कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है कि उसे करना चाहिए। परंतु किसी कारणवश से अगर कोई संतान में पुत्र नहीं है तो उसको पुत्री को भी वही अधिकार प्राप्त है जो पुत्र को प्राप्त है, मैं कहीं भी शास्त्र ने उसको निषेध नहीं किया, तो 60 से ऊपर तो हो है। दूसरा व्याधियां लगी अर्थात रोग है, बुढ़ापा तो है ही है, साथ में बीमार है, बीमार के साथ साथ में ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति, जैसे मार्केश दशा आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में ग्रह दशा ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति उसे पार करना मुश्किल सा हो जाता है, इसे कहा। और साथ में जब ऐसी परिस्थिति चल रही है तब जाकर के उसको ट्राई मारें, आप जरा देखें कि कुछ सुनाई दे रहा है, और ऐसी परिस्थिति जब हो तब, इसे कहा। जो हम कानों को उंगली से बंद कर लें तब जो अंदर से जो आवाज आती है उसे कहते हैं प्राणवायु का नाद, बाहर की नहीं है वो, अंदर की जो प्राण की जो गति है उसकी आवाज ध्वनि सुनाई देती है, वो साए साए जैसा शब्द सुनाई देता है, अगर वो ना सुनाई दे अर्थात सुपर साइलेंट हो जाए तो कहा है, ठीक है। तो अभी कोई भी ट्राई ना करे, सामान्य वो नहीं है कि कोई भी चेक करे, अभी तो चल रही है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति जब सामने आ जाए तो इसे कहा आतुर काल, और इसमें लगभग 6 महीने का समय मानना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि 6 ही महीने, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, संभावित होता है, कोई इसमें निश्चित अप्रोक्स है, हाँ निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जैसे हम दान पुण्य करते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक जैसे हम भंडारा कराते हैं, ये अलग ही उसमें आता है, ये पुण्य की श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में आता है। पंडित जी ये बताओ, बोलो विष्णु भगवान की जय। पंडित जी से सारे सब्सक्राइबर्स इम्प्रेस है। फ्रेंड्स पंडित जी गए, अब सबकी चाय चलेगी। और क्या, चाय बन गई इसमें है केटल में। अच्छा तो नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं वीडियो में गरुड़ का जो भी पार्ट होएगा वो कम डालूं, एंड लाइव तो मैं कर ही देती हूँ, तो आइडिया 3:15 या 3:20 पे लाइव स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पंडित जी उसी टाइम आते हैं, तो आप लोग उस टाइम पे लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव करती हूँ मैं 3:15 3:20 के अराउंड। फ्रेंड्स आज बने डिनर में पुलाव, और मैंने कर लिया पनीर अलग, ये मैं सबसे लास्ट में खाऊंगी, मैं अपनी फेवरेट चीज सबसे लास्ट में खाती हूँ, और सब कर रहे हैं अपना मस्त भोजन, बहुत टेस्टी पुलाव बनाया वैसे, किसने, सोनिका ने बनाया, आपने बनाया, सोनिका ने, अच्छे बनाया, मतलब गरम गरम अच्छे लग रहे हैं, चाहे थोड़ा सा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है दीदी, तो सब खाएंगे, सब खाएंगे, हाँ लक्ष्मी नगर वाली दी को सब याद भी कर रहे थे, मैं आ गई, लक्ष्मी नगर वाली दी है हमारी, जो कि अब लक्ष्मी नगर नहीं रहती। फ्रेंड्स किस किस को दही शक्कर पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, दही शक्कर किस किस को पसंद है मेरी तरह। तो अभी मैं और नकुल जा रहे हैं प्लेटें लेने,
क्योंकि पंडित जी वगैरह जीवनेंगे तेरहवीं वाले दिन, तो हम प्लेट लेके आए थे बट वो छोटी थी, तो अब हम ला जा रहे हैं बड़ी लेने। और उस दिन तेरहवीं वाले दिन पूरी उम्मीद है कि नकुल को खूब डांट पड़ेगी, खूब ही ज़्यादा डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेन जो है वो नकुल करने वाला है, ठीक है, जिसको पता है सारी चीज़ें। ऐसे तो आशु भी है बट आशु को क्या है थोड़ा सा कम पता है चीज़ें, तो पापा सिर्फ और सिर्फ नकुल को डांटेंगे डांटेंगे डांटेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्योंकि जब भी कहीं पर भी कोई काम होता है ना तो डांट पड़ती ही पड़ती है। अब जैसे राधिका की शादी हुई थी हमारे यहाँ पे मौसी के यहाँ पे, तो मौसा जी ने सबको डांटा, इवन मम्मी तक को डांट पड़ी थी, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे होता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो नकुल भाई बी रेडी डांट के लिए, ओके? फिर तू बस उस टाइम पे मत रूसी हो, उसके बाद एक साल चाहे चाचा से बात मत करियो, ठीक है? ठीक है नकुल, उस दिन तो देखो कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्रिया पे बैठा है तो भाई तो कुछ करेगा नहीं, तो सारा काम नकुल को करना है। और मैं भी होपफुली 5 बजे उठ जाऊँ, भगवान करे कि मैं बस उठ जाऊँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बहुत मुश्किल है।